हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विश शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइज हम आपकी रीडिंग को, देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन इस वक्त में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। ओके, आपकी एनर्जीज को भी पिक करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। देखते हैं कि आपकी एनर्जीज भी क्या हैं, ठीक है। अगर आपकी एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती हैं, डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जीज आपसे रेजोनेट जरूर करेंगी। ओके, सो देखते हैं दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं। आज मेरा जो मन है वो इसी पर है कि यू वर्सेस देम की रीडिंग करते हैं। लेट्स सी, ओके डियर, सो देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, ठीक है। दोनों की एनर्जीज देखने की कोशिश करते हैं आज। पहली एनर्जी जो निकल कर आई है गाइस, अगर मैं आप दोनों का कंपैरिजन करूं तो आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं तो आपके जो पर्सन हैं ये अपने आप को आपके सामने बहुत छोटा देखते हैं, ठीक है। इस वक्त में आपकी एनर्जीज में ये नजर आता है कि आप लोगों के साथ मिलकर चल रहे हो, ठीक है, और किसी के अगेंस्ट में इस वक्त में आप ज्यादा काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये आपकी एनर्जी निकल कर आई है एंड आपके पर्सन की एनर्जीज में ये नजर आता है कि ये इस वक्त में अपनी लाइफ में वो सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जिन चीजों पर इस पर्सन ने कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। एक यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि जो चीजें आपको मिली होती हैं उन पर आपका ध्यान नहीं होता है। इंसान का ध्यान हमेशा उस चीज पर होता है जो उसको नहीं मिला होता है, जिसे वो पाना चाहता है। सो आपके पर्सन की एनर्जी में जो मैसेज मिला है वो ये कि जो चीजें इनके पास पहले से हैं उन पर इस पर्सन का बहुत ज्यादा ध्यान है, और मुझे लगता है कि उन सब चीजों को लेकर ये पर्सन ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में है। इस वक्त में जो मेरे व्यूअर्स हैं इनकी एनर्जीज में एक एक गुस्सा नजर आता है एंड गुस्सा किसी के लिए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आपके एनर्जी में ये जो गुस्सा है वो इस बात का है कि मैंने आज तक इतनी गलतियां क्यों की, ठीक है। आपका आपका जो गुस्सा है वो मुझे नाराजगी जो है वो मुझे आपकी आपको लेकर लग रही है, ठीक है, कि आप शायद इस बात से नाराज हैं कि आपने आज तक लाइफ में इतनी गलतियां क्यों की, ठीक है। आज की ये कुछ लोगों की एनर्जी निकल कर आई है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी मौजूद हैं जो ऐसा सोच रहे हैं इस पर्सन को लेकर कि हमेशा इस पर्सन के सामने मैं ही क्यों झुकता हूं या मैं ही क्यों झुकती हूं। एक बार वो भी तो इस कनेक्शन के लिए ट्राई कर सकते हैं या कर सकती हैं, हर बार मुझे ही क्यों करना है। एंड आपके पर्सन की साइड ये नजर आता है कि आपके पर्सन यहाँ पर 10 नंबर निकल कर आया है आपके पर्सन की तरफ। आपके पर्सन इस वक्त में भी कुछ खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है कि कुछ चीजें जो इस पर्सन की लाइफ में चल रही है वो खत्म हो जाए। आई थिंक ये प्रॉब्लम्स के बारे में है, जो भी प्रॉब्लम इस पर्सन की लाइफ में चल रही है चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए इस पर्सन की लाइफ से, ठीक है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये उन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जिन चीजों पर ध्यान देकर उन चीजों को ठीक किया जा सकता है, ठीक है, जो चीजें इनके हाथ में है। आपको लेकर गाइस ये पर्सन एक आपको एक टेडी बियर की तरह देखते हैं, ठीक है। यहाँ टेडी बियर दिखाई दे रहा है, मतलब एक टेडी बियर बहुत सॉफ्ट होता है, आपको पसंद हो सकता है। टेडी बियर बहुत रीडिंग में आता है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको टेडी बियर की तरह देखते हैं, सॉफ्ट देखते हैं, या फिर बहुत ज्यादा आपको पसंद हो सकता है, आप बहुत क्यूट हो सकते हो, ठीक है। ये भी यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। आपके पर्सन ऐसा देख रहे हैं कि अब आप बहुत स्मार्ट हो गए हो। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी एनर्जी है गाइस कि आप में से काफी सारे लोग कहीं ना कहीं अपने पर्सन को
इस वक्त में चेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक चेजिंग का जो मैसेज आता है हमेशा ही, वो चेजिंग का मैसेज यहाँ पर निकल कर आना बंद हो गया है। तो ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनके जो दिल है, ये हर वक्त एक अजीब तरीके के प्रेशर में रहने लगा है, ठीक है। एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जिससे इस पर्सन का जो दिल है एक हमेशा प्रेशर में रहता है, एक बोझ में रहता है, ठीक है। ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज्यादा मतलब तब मिलती है जब ये देना चाहते हैं, लेकिन इनको आपकी एनर्जी हमेशा मिल जाती है जब भी ये चाहते हैं। सो यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि जब भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ इनको पॉजिटिव एनर्जी की इनको जरूरत होती है, आपकी तरफ आ तो जाते हैं, लेकिन अभी काफी सारे लोग बहुत मैच्योर हो गए हैं एंड उन्होंने ये सब बंद किया है, ठीक है। यहाँ पर सी लेटर निकल कर आया है, उन्होंने ये सारी चीजें बंद कर दी है। तो इस पर्सन का जो दिल है एक प्रेशर में है इस वक्त में, ठीक है। आपका जो ध्यान है वो नजर आता है बाकी सारी चीजों पे। मुझे लगता है आप में से काफी सारे लोग अपने पर्पस को फाइंड कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजों पर आपका ध्यान जा रहा है कि और क्या करना है लाइफ में, ठीक है, ये तो चलता ही रहेगा। मतलब एक होता है ना कि आप लोगों की एनर्जी में एक एक जो डर था ना, आप में से काफी सारे लोग, यहाँ 60% लोग ऐसे हैं, ठीक है, मतलब ये जो मैसेज है वो निकल कर आ रहा है। मतलब 60-70% डेफिनेटली लोग ऐसे हैं जिनके मन से ना आपके पर्सन को खोने का डर आपको निकल चुका है। मतलब आपके मन से ये डर निकल गया है कि मैं इस पर्सन को खो दूंगा या खो दूंगी, या फिर ये कहीं चला जाएगा, या फिर ये मेरा होगा या नहीं होगा। ये जो आपके अंदर एक डर था, एक तड़प थी, एक जो चीजें ये आपके अंदर चल रही थी, ये चीजें कहीं ना कहीं यू नो आपने जो वो एक पेन जो है ना यहाँ पर बार बार इस तरीके से देख लियो, कहते हैं ना कि धीरे धीरे बॉडी में जहर जाना, ठीक है, फिर जहर गया थोड़ा सा, फिर गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया, मतलब धीरे धीरे आपने इतना यू नो जहर पिया 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 कि अब आपकी बॉडी को यू नो उस चीज की आदत पड़ गई है, ठीक है। आपको शायद पता होगा कि अगर कोई चीज आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते रहते हैं तो वो बॉडी उसके साथ एडजस्ट करना सीख जाती है, ठीक है। उसी तरीके से आपको जो थोड़ा 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 विश दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, वो बार बार जो ट्रिगर्स मिले आपको आपके पार्टनर से, ठीक है, बार बार चीटिंग केस के उसके, तो मतलब उस चीज ने आपको इतना मजबूत बना दिया कि अब आपको ज्यादा फर्क पड़ना बंद हो गया है, ठीक है। और ना ही आपको इतना ज्यादा उस पर्सन से मतलब ये रहता है कि, क्योंकि इनको लेकर आपके मन में जो भी थे, जो भी डाउट्स थे, जो भी थे, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके मन से, इसको दूसरी भाषा में ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें आपके अंदर से खत्म हो गई हैं, मर सी गई हैं, ठीक है। तो आपको मतलब ये है कि ठीक है, जो होना हो सो हो, मतलब इस तरह की एनर्जी में भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। सो उनके पर्सन की एनर्जी में स्ट्रांगली ये चीज नजर आती है कि अब वो जो पेन है ना, जो यू नो वो खोने का जो डर होता है, ठीक है, वो होता है कि ये इंसान चला जाएगा मेरी लाइफ से, ये बहुत अच्छा इंसान था, इसने हमेशा मुझे पॉजिटिविटी दी, इसने हमेशा मेरा साथ दिया है, ध्यान रखा है, ठीक है, इसकी वजह से काफी मैंने लाइफ में ग्रो किया, ये सारी चीजें इस पर्सन को ना बहुत ज्यादा इस वक्त में मतलब ये कह सकते हैं कि एक होता ना कि छटपटाहट, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, एक बॉडी पेन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। जब आपको बहुत ज्यादा पेन होता है ना, ठीक है, ये कल भी था मैसेज, जब आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, दिल में बहुत ज्यादा पेन होता है, बॉडी पेन होता है आपको, ठीक है, वो वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। इस वक्त में जो मेरे व्यूअर्स हैं वो वही काम कर रहे हैं जो उनको करने को कहा जा रहा है, या फिर आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप यूनिवर्स से काफी ज्यादा कनेक्ट हो, ठीक है, और मतलब आप इस वक्त मुझे अलाइनमेंट में नजर आ रहे हो। अगर आप अलाइनमेंट में हो ना, आपको एंजल नंबर 222 दिखाई देगा। जब भी आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आते हैं तो 222 अलाइनमेंट का नंबर होता है। जब भी आप अपनी वही काम करेंगे जो यूनिवर्स चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपको ये कन्फर्म करते हैं 222 दिखाकर कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आप वही कर रहे हैं जो हम आपसे करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप में से काफी सारे लोग 222 अगर दिखाई देता है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप अलाइनमेंट में हैं डियर, ठीक है। कुछ मैसेजेस आपको ऐसा लगता है पार्टनर के थ्रू, पार्टनर के लिए है, ठीक है, जो डिवाइन के थ्रू है, बट ऐसा नहीं है, सारे मैसेजेस पार्टनर के हिसाब से नहीं होते हैं, कुछ यूनिवर्स आपको मैसेजेस देता है, जैसे 222 दिखता है जब भी, तो ये मैसेज होता है कि आप अलाइनमेंट में हैं, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में, आप वही कर रहे हैं जो हम आपसे करवाना चाहते हैं। सो आपकी एनर्जीज ये हो सकती है, ठीक है, किसी ने कहा था मैम हमारी एनर्जीज भी बताया करो, ठीक है, यहाँ पर वी लेटर है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप दोनों की एनर्जी सुनना चाहते हैं या आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन की एनर्जी सुनना चाहते हैं। यहाँ पर वी लेटर है, आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा नजर आता है कि चारों तरफ से आपके पर्सन घिरे हुए हैं,
ठीक है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। देखिए, अगर ये कोई जर्नी है, जर्नी नहीं भी है, तो अगर स्पिरिचुअल जर्नी भी है अगर आपकी, आपके पर्सन की, तो ऐसा है कि यहाँ पर जो चीजें भी होती हैं वो दोनों के साथ होती हैं। मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपके जो पर्सन है, सबसे ज्यादा इस पर्सन का सिर झुका हुआ है इस वक्त में। ठीक है, सिर झुका हुआ का मतलब क्या है कि देखिए, यहाँ पर इस पर्सन को तो गिल्ट है ही बहुत स्ट्रांग। ठीक है, मुझे इस पर्सन का लिटरली सिर झुका हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस पर्सन को लिटरली बहुत ज्यादा दुख है। ठीक है, और एक तो क्या है गाइस, गिल्ट बहुत ज्यादा है जो इन्होंने आपके साथ किया। ठीक है, इसके अलावा आप भी नहीं हो, हो सकता है आपके अलावा भी बहुत सारे लोग के साथ बहुत कुछ किया हो। ठीक है, अब आप तो एक पार्टनर थे, और भी चीजें होती है, फ्रेंड्स होती है, होते हैं, वो होते हैं। सो जब इंसान के ऊपर पड़ना स्टार्ट होती है ना, तो फिर वो चारों तरफ घूमता है दिशाओं में कि मैंने और कहाँ 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 गलत किया था। सब चीजें उसके अंदर आती है, क्योंकि जब आप असेंशन की जर्नी में होते तो सब एक एक करके सरफेस आता है और सबको रिलीज करना पड़ता है। काफी पेनफुल जर्नी है। ठीक है, रिलीज करने की जर्नी है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं शुद्धिकरण की जर्नी है। ठीक है, सो जितना आपके अंदर भरा हुआ है, वो जितना भी आपके अंदर डिजायर्स, ओवर डिजायर्स, जितने भी आपकी ये मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे बहुत पास्ट लाइफ से जो चीजें आ रही हैं, कर्मा आ रहा है, वो एक एक चीज करके आपके सरफेस पर आएगी, और आप एक एक करके उस सारी चीजों को रिलीज करेंगे, जिसमें इंसान को बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ता है। तो आपके जो पर्सन है, इन्होंने भी पास्ट में किया, और ये कर्मा रिलीजिंग का टाइम होता है, तो वो कर्मा डेफिनेटली रिलीज होता है। एक एक करके ऊपर जब आता है, सबसे पहले जो ऊपर आता है वो है डर, हर चीज का डर, जो जो भी तुमने किया है। ठीक है, सो सबसे पहले यूनिवर्स क्या करते हैं, आपके मन से डर, सारे डर रिलीज करते हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी में है, काफी काफी ज्यादा इस पर्सन के आने में सिर झुक गया इस पर्सन का। ठीक है ना, इतना चौड़ में ये पर्सन चला करते थे, ईगो में चला करते थे। ठीक है, वो ये आपके साथ भी हुआ होगा, अगर आपकी फैमिली ने आपको ट्रिगर दिया है, अगर आपको भी इस पर्सन के साथ साथ बाकी तरफ से भी ट्रिगर मिले हैं, करियर से भी ट्रिगर मिले हैं, हर तरफ से ट्रिगर मिले हैं, तो समझ लीजिए कि ये बिल्कुल स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी कोई, और ये डिवाइन का ही तरीका होता है। एंड सेम चीज इस पर्सन के लिए नजर आ रही है। इस वक्त में आपके जो पर्सन है, काफी सारे लोग पर्सन उनकी तरफ देख तो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स इस पर्सन को समझ में आ रहा है वो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि वो चीजें जो इस पर्सन को आपकी बिल्कुल पसंद नहीं थी, अब इस पर्सन को आपकी वो चीजें भी पसंद आने लग गई हैं। इस पर्सन की एनर्जी में नजर आता है कि जो चीजें इस पर्सन को आपकी कभी पसंद नहीं थी, कि आप ऐसे करते हैं, आप वैसे करते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। ठीक है, मतलब जब आप थे इस पर्सन की लाइफ में 100% अवेलेबल थे, तब इस पर्सन को आपके अंदर बहुत कमियां नजर आ रही थी, या फिर इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनसे बहुत, आपसे बहुत बेटर इंसान ये डिजर्व करते हैं और मिल सकता है इनको। बट अभी राइट नाउ की एनर्जी है कि आपके अंदर जो भी है, जैसा भी, अगर आपका गुस्सा भी है, आपका ईगो भी है, तो इस पर्सन को आपका ईगो और गुस्सा भी पसंद आ रहा है। बिकॉज यहां पर बहुत सारे लोग की वो एनर्जी, या फिर मैं बोलूं कि वो चेजिंग एनर्जी जो आपके पर्सन को सबसे अच्छी लगती थी, वो चेज करना आपने यहां बंद कर दिया है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक राज की बात बताती हूं। अगर आप किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट हैं, या फिर किसी स्पिरिचुअल जर्नी का भी पार्ट है अगर, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं, आप यकीन मानिए, जब जब आप किसी के पीछे भागेंगे, तब तब आप मुंह की खाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं, बहुत सही तरीके से मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये पूरी जर्नी खुद को जानने की जर्नी है, खुद को पहचानने की जर्नी है, सेल्फ वर्थ की जर्नी है, अपने सारे कामों को खुद करने की जर्नी है, हर चीज को सीखने की जर्नी। आप बहुत लर्निंग करते हो, बचपन से ही बहुत सिखाया जाता है आपको। ठीक है, तो जब जब भी आप कोडिपेंडेंट होंगे, जब जब भी आप ऐसे होंगे कि आप अपने आप को एक शरीर मानकर ये सोचेंगे कि मुझे इसकी जरूरत है खुश रहने के लिए, आप देखिएगा वहीं से आपको, मतलब ऐसा हो जाएगा कि चीजें वहीं से बिगड़ने लगेंगी, क्योंकि आप किसी पर कोडिपेंडेंट नहीं हो सकते इस पूरी जर्नी में। आपको हमेशा ही अपनी खुद की पावर में रहना होगा। जब जब आप अपनी पावर में होंगे, देखना सारी चीजें चलकर आपकी तरफ आएंगी, सब आपका ध्यान रखेंगे, सब आगे से आपको अप्रिशिएट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब जब आपने खुद को इग्नोर किया और अपने आप को इग्नोर करके सबको प्रायोरिटी दी, जितनों को आप प्रायोरिटी देंगे अपने आप को इग्नोर करके, वो सारे लोग आपको मतलब पागल ही समझेंगे, आपको ऐसा रियलाइज करा देंगे कि आप पागल हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड से क्या निकल कर आता है। और प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है।
Knight of Wands, Ten of Pentacles, Two of Pentacles, Moon, Ten of Swords. ये पर्सन लगातार कुछ खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, और मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था कि ये पर्सन खत्म करना चाहते हैं। 10 नंबर यहाँ फिर से आया, पेनफुल साइकिल को खत्म करना चाहते हैं, यानी कि दर्द को खत्म करना चाहते हैं। बहुत पेन हो रहा है इस पर्सन को, ठीक है। यहाँ भी 10 नंबर है, यहाँ भी 10 नंबर है, ठीक है। क्या है ये मैसेज? देखिए, इस पर्सन की एनर्जी ना ड्राई हो चुकी है डियर, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपके पर्सन जो है, इनकी एनर्जी काफी ड्राई हो चुकी है, ठीक है। एक होता है ना कि हर इंसान को चाहिए यार कि कोई ध्यान रखे, कोई पैम्पर करे, ठीक है। और अगर मैंने आपको भी रीडिंग में बताया कि स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बहुत अकेलापन मिलता है, उसका कारण ये होता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी पावर में रहें, बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए, ठीक है। और आप जितने भी लोगों को देखेंगे, खासतौर से स्पिरिचुअलिटी में अगर देखेंगे, तो आप देखिए वो अलग ही तरीके के कॉन्फिडेंस में होते हैं, और अपनी पावर को अपने हाथ में रखते हैं, और अपने डिसीजंस को खुद लेते हैं, और उनके रिजल्ट्स के लिए भी खुद रेडी रहते हैं। सो आपके जो पर्सन हैं, इनकी एनर्जी में फिलहाल कोडिपेंडेंसी आ गई है, ठीक है। अब ये कोडिपेंडेंसी क्या है? देखिए, आपका जो पर्सन है पहले बहुत जिद्दी हुआ हो सकता है, या फिर बहुत सारा फैमिली इनके हिसाब से काम कर रही है, लोग इनके हिसाब से काम कर रहे। तो क्या होता है ना, एक इंसान के अंदर एक वो आ जाता है कि सारी चीजें तो मेरे अंडर कंट्रोल है। फिर क्या होता है कि जब आपको इस तरीके से अकेले रखा जाता है, या फिर उन्हीं लोगों से टिकट दिया जाता है जो कभी आपका ध्यान रख रहे थे, ठीक है, आपको लगेगा कि ये सब लोग कितने हैं, मतलब इनके लिए मैंने कितना किया, ये किया, वो किया, ये सब मुझे ट्रिगर दे रहे हैं। सो आपको बहुत ही ज्यादा ना अजीब सा फील होने लगता है, और इंसान का एक स्वभाव होता है कि उसको चाहिए, उसको अप्रिसिएशन दूसरों से चाहिए, उसे रिस्पेक्ट भी दूसरों से चाहिए, और उसे प्यार भी दूसरों से ही चाहिए, ठीक है। लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो उसे लगेगा कि हाँ, मेरी रिस्पेक्ट हो रही है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि मेरे पास खुद के पास तो कोई रिस्पेक्ट है नहीं, ठीक है। दूसरे जब मुझे बताएंगे कि मेरी कोई रिस्पेक्ट है, तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मुझे रिस्पेक्ट मिलती है। कहने का मतलब यह है कि हर चीज के लिए बाहर डिपेंड होते हैं, सभी लोग होते हैं, बट जब आपके अंदर से डर निकलने लगते हैं और अपनी पावर में आने लगते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपके अंदर, सोच बदल जाती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं, परसेप्शन शिफ्ट हो जाता है, जब वो शिफ्ट हो जाता है, फर्क पड़ना बंद हो जाता है, ठीक है। साफ साफ बात है, इस पर्सन की एनर्जी में फिलहाल इनको आपकी जरूरत है, एंड हीलिंग चाहिए गाइस, और आपकी लविंग एनर्जी। और आप देख सकते हैं, रोज ही इस तरीके से कार्ड्स निकल कर आते हैं, ठीक है। अब जो लोग भी अपने, मतलब जो भी पार्टनर हैं, वो मेरे जो व्यूअर्स हैं खास तौर से, वो अपने ऊपर तो वर्क कर ही रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अपने आप को फ्री किया है चीजों के साथ, और वो ऐसा नहीं है कि लव नहीं है आपकी एनर्जी में, क्वीन ऑफ कप्स आया, हो सकता है आप बहुत प्यार करते हो उस पर्सन से, लेकिन प्यार अपनी जगह है, और एक प्रैक्टिकल लाइफ होती है जहां आप दोनों को साथ में रहना है, ठीक है। तो अगर आप इसी तरीके से चीजें करते रहेंगे, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, और एंड पॉइंट नहीं है तो फिर ये चीजें कभी सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है। आप ऐसे ही किसी इंसान को अपनी लाइफ में जगह दिए रहेंगे, और आप अपनी प्लेस नहीं मांगेंगे, ठीक है, आपकी अपनी जगह नहीं पूछेंगे, अपनी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे उस पर्सन की लाइफ में, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि आप ऐसे तो पूरी जिंदगी नहीं निकाल सकते, ठीक है। मैं तो सीधी बात बोलती हूँ, अगर आपको कोई चीज बहुत पसंद आ रही है और आप उसके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस इंसान से, उस चीज से पहले क्लियर हो जाइए, ठीक है, कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड मून की एनर्जी है। ये दोनों कार्ड्स बात करें कि आपके पर्सन फैमिली को लेकर बड़े इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसा है कि हो सकता है फैमिली इमोशनली हर्ट कर रही हो, ठीक है। एंड मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कुछ चीजें अगर ये पर्सन करने जा रहे हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी इस पर्सन की तरफ आ रही हैं, तो उनको रेजिस्ट करते हुए भी पर्सन नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि कुछ चीजें जो इस पर्सन को बड़ी पसंद आ रही थी पास्ट में, कि ये करना है, ये करना है, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज, जैसे होता है कि बहुत सारे लोग को पसंद आते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अप्रोच करें, ठीक है। मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल ले रही हूँ, बहुत सारे लोगों को पसंद आता है कि बहुत सारे लोग उसे अप्रोच करें, बहुत उनको, मतलब आगे से अप्रोच करें लोग, ठीक है, आकर प्रपोज करें, ये सारी चीजें बड़ी पसंद आती हैं, ओके। बट इस जर्नी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको ये जो आपकी एक सोच होती है कि लोग मुझे प्रपोज करें, लोग मुझे आकर अप्रोच करें एंड ऑल, इस तरीके की चीजें बाद में जब आपकी तरफ आने लगती है, तो आप खुद रेजिस्ट करते हो, ठीक है।
फिर आपको ये सब चीजें बुरी लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अब आप इमोशनली हर्ट हो चुके हो। मैंने कहा ना, जब तक आपके हाथ में सारी चीजें हैं और यूनिवर्स ने आपको अच्छा कंट्रोल दे रखा है, आप भरपूर बिगाड़ते हैं, ठीक है। जैसे आपका पार्टनर है, भरपूर बिगाड़ेगा, गुस्सा दिखाकर, इसके ये करके वो करके, फिर जब कहते हैं ना कि आप कदर नहीं करेंगे तो ईश्वर छीन लेगा, जब आपसे छीन लेगा तो फिर आप हो जाओ परेशान, ठीक है। फिर आपके पास सब कुछ आएगा, फिर छीनने के बाद ना वो आपको वो सारी चीजें देगा जिसके पीछे पड़े थे आप कल तक, कि मुझे अप्रोच करें लोग, मुझे बहुत प्रपोज करें, इससे फ्लर्ट, उससे फ्लर्ट, ये फ्लर्ट, वो सारे ऐसे लोग आपकी तरफ आएंगे, करिए फ्लर्ट करिए, फिर आपको इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर आपको दिमाग खराब होने लग, अब आपको वो चाहिए जिसको जिसके अंदर प्यार बहुत है, फिर आपको वो चाहिए, ठीक है। तो इंसान का तो स्वभाव है कि जो चीज नहीं मिलेगी उसको वही मांगनी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। और कुछ पेनफुल साइकिल्स हैं जो ये पर्सन खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। पेनफुल साइकिल ऐसा है कि जो चीजें आपके हाथ में आप सिर्फ उन्हें खत्म कर सकते, जो चीज आपके हाथ में नहीं आप उन्हें खत्म नहीं कर सकते, यानी कोई आपको ट्रिगर दे रहा है ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में खुद को बदलना है। आप किसी के ट्रिगर पर पलट वार करेंगे तो आप और, मतलब जैसे किसी ने आपको दो बातें बोली, आप 10 बातें बोलेंगे तो और आप ही बिगड़ेंगे उस चीज में, या फिर आप ही अलग दिखाई देंगे और आपको खुद के अंदर ही बहुत गिल्ट फील होने लगेगा। तो ये इंसान कर नहीं पाता है, खुद ही हर्ट होता है वो, और अंदर ही अंदर हर्ट होता है। ये चीजें इस वक्त में नजर आ रही हैं, ठीक है। और ये चीजें हैं गाइज, बहुत ही, मतलब आपको लगता होगा कि इस तरीके से कैसे, बट अगर स्पिरिचुअल जर्नी है तो आप अपने एक्सपीरियंस को रख लीजिएगा सामने, और आपको पता होगा कि मैंने क्या क्या देख लिया इस जर्नी में, ठीक है। और आप अगर इस जर्नी में इस पर्सन के थ्रू आए हैं तो इस पर्सन को भी यूनिवर्स को आपके थ्रू लेकर आना था, ठीक है। क्योंकि इनके मन में गिल्ट जाएगा, गिल्ट जाएगा तो चीजें मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। जब जब ये सोचेंगे कि मैंने गलत किया है जिसका परिणाम सही नहीं आ सकता है, तो चीजें मैनिफेस्ट होंगी और फिर वो चीजें आगे चलकर एक रूप भी लेंगी, ठीक है। ताकि ये इंसान जो है वो यूनिवर्स को सरेंडर करे, ठीक है। तब ये पेन में आते हैं, तब यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, तब इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये चीजें यहां नजर आ रही है, देखते हैं अल्फाबेट्स क्या हैं। HOW हाउ, कैसे? ये पर्सन ऐसा पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ये सब कैसे कर लिया, आपने खुद को ऐसे कंट्रोल कैसे कर लिया, ठीक है। थ्री फोर फाइव, इस पर्सन की एनर्जी में ना एक आपको दिखेगा कि हाँ कुछ चीजें चेंज हो रही है इस पर्सन की जिंदगी में। सो गाइज, ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।